मधुपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर नवनिर्मित लिफ्ट का उद्घाटन किया गया। सांसद शशिकांत दुबे ने कहा, मधुपुर रेलवे स्टेशन के सामने की दुकानों को तोड़कर सड़क पर कार पार्किंग बनाते हुए सुंदरीकरण किया जाए। जल्द ही गिरिडीह व मधुपुर वासियों को नई ट्रेनों की तोहफा मिलेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं पहुंचे विधायक सह मंत्री हाफिजुल हसन। जी हां, मधुपुर रेलवे प्लेटफॉर्म संख्या 3 व 4 पर नवनिर्मित लिफ्ट के उद्घाटन किया गया। उद्घाटन से पूर्व आसनसोल रेल मंडल के DRM परमानंद शर्मा ने सांसद निशिकांत दुबे को बुके देकर स्वागत किया। तत्पश्चात गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे व आसनसोल रेल मंडल के DRM परमानंद शर्मा ने संयुक्त रूप से नवनिर्मित लिफ्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर गोड्डा सांसद श्री दुबे ने कहा कि लिफ्ट की सेवा प्रारंभ हो जाने से खासतौर पर बुजुर्ग महिला, बीमार रेल यात्री समेत दिव्यांग को फायदा मिलेगा और उन्हें एक दूसरे से प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए परेशानी नहीं होगी। वहीं इससे पूर्व मधुपुर में स्वचालित सीढ़ी लिफ्ट का निर्माण कराया गया है। आगे उन्होंने कहा कि गिरिडीह दिल्ली भाया मधुपुर ट्रेन जल्द उपहार स्वरूप में मधुपुर वासियों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रेल के क्षेत्र में भाजपा की सरकार में काफी विकास किया गया और आने वाले दिनों में और भी विकास का कार्य होगा। मंत्री साहब, हफीजुल साहब जो है हमारे साथ लंच शेयर करेंगे और मैं उनसे अपनी कुछ पीड़ा बताऊंगा, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि चंपई सोरेन जी के अलावा जो है झारखंड सरकार का कोई मंत्री और मुख्यमंत्री मेरे साथ मंच शेयर नहीं करता है। मुझे हमेशा ये तकलीफ होती है। वो विधायक थे, यहाँ आना चाहिए था। मैंने कहा कल चंपई सोरेन साहब को, नियरम साहब थे, कि पिछले एक साल में मैंने आपको तीसरी बार जो है अपने लोकसभा में स्वागत। अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है कि कोई मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, कार्यक्रम की गरिमा बढ़ती है। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते आपको बताता हूँ कि कभी इसका तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ कार्यकर्ता को, तुम क्यों आ रहा है, वोट पे क्यों नाम है, इससे हमारी गरिमा बढ़ती है। जब मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसका लेवल बढ़ता है कार्यक्रम का, तो अपने को उसका स्वागत करना चाहिए। मैंने उनको कहा कि आप तीनों बार वोट डालने के बाद, क्योंकि मैं अखबार पढ़ता हूं, एक साल में कोई ऐसा रेलवे का कार्यक्रम नहीं है जिसमें कि आप या मुख्यमंत्री शामिल हुए, किसी दूसरे क्षेत्र में शामिल हुए। इसका मतलब यह है कि 14 लोकसभा में से केवल एक लोकसभा गोड्डा है, यही वहीं कहीं डेवलपमेंट हुआ है जिसके कारण कि आपको फीता काटने आना पड़ता है। और यही एक सोचनी बात है और फक्र और सम्मान की बात। सभी लोगों को माननीय मोदी जी विकास करना चाहते हैं, क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। अभी आप देखिए कि 4 दिन से मैंने कहा कि गोड्डा से ट्रेन चालू हो गया, देवघर से ट्रेन चालू हो गया, हावड़ा का ट्रेन चालू हो गया, सुल्तानगंज का ट्रेन चालू हो गया, आज यहाँ लिफ्ट हो गया, अभी जिसपे नीता जी फंस गई वो एस्केलेटर था। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि मधुपुर जैसी जगह में VIP का जो है बैठने का व्यवस्था हो जाएगा, एस्केलेटर हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा? जो बड़े शहरों में जो सुविधा है वो सारी सुविधा मधुपुर में या जसीडी में है। कभी मधुपुर के लोगों ने कल्पना की थी कि यहां से ट्रेन खुल जाए, यहां से हम सफर भी ट्रेन खुल रहा है और यहां से आनंद विहार का जो है एक्सप्रेस ट्रेन भी खुला हुआ है, दो दो ट्रेन खुला हुआ। अभी DRM साहब कह रहे थे और मेरे भी दिमाग में आया कि ये फुटब्रिज। वहीं उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उन्होंने मधुपुर स्टेशन परिसर के सामने नगर परिषद द्वारा बनाए गए दुकानों को तोड़कर सड़क व कार पार्किंग सहित सुंदरीकरण कराने की बात आसनसोल रेल मंडल DRM को कहा। आगे उन्होंने कहा कि PWD व नगर परिषद द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर रेलवे की जमीन पर सड़क पर स्टॉल का निर्माण कराया गया है जो कि रेलवे की संपत्ति है। इन सभी दुकानों को तोड़कर सुंदरीकरण किया जाएगा और दुकानदारों को दूसरी जगह दुकान दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मधुपुर क्षेत्र में और भी विकास कार्य किए जाएंगे। ट्रेन खुला हुआ, अभी DRM साहब कह रहे थे और मेरे भी दिमाग में आया कि ये खुद प्रयासरत है कि ये जो अब गिरिडीह का लाइन खुला हुआ है, गिरिडीह वालों को पता नहीं कब ट्रेन मिलेगा नहीं मिलेगा। हमको लगता है कि गिरिडीह का भी जिम्मेवारी अपने को उठा लेना चाहिए कि ये लाइन खुल गया है तो यहाँ से दिल्ली के लिए सीधा ट्रेन जो है मधुपुर गिरिडीह उसमें भी जो है दे दे। हो सकता है कि अगली बार जब हम आए तो वो ट्रेन लेकर ही आए। यहाँ गब्बर बैठा हुआ है, हमेशा कहता था कि हमको हैदराबाद जाना होता है, बड़ा समस्या होता है, उसके लिए आप समझिए कि पूरा का पूरा ट्रेनें हो। आप समझिए यहाँ से कहाँ ट्रेन है,
चेन्नई जाइए ट्रेन है, आप हैदराबाद जाइए ट्रेन है, आप गोवा जाइए ट्रेन है, गंगा जी को बड़ा सुविधा हो रहा है गोवा का ट्रेन है, पूना जाइए ट्रेन है, कोई सोच सकता था अगरतला जाइए ट्रेन है, अभी गर्मी का समय आया जिसको जिसको परिवार लेके जाना है सीधा अगरतला का ही ट्रेन। ये सारा कब हुआ? एक आदमी स्टॉपेज कर देता था तो उसी में बाबा ही उठता था कि पाटलिपुत्र के जैसे हमें ठहराव कराए दो, यही होता था ना, राजधानी का ठहराव करा दिया सूरज बाबू ने तो 50 साल तक वो बोलते रहे कि राजधानी जो है मधुपुर में हम लोग, उससे हम लोग आगे बढ़े। और जो गंगा जी आप कह रहे थे कि ये जनता जो है ना, ये जनता आपके किए हुए काम को, आप मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं जो किसी से परेशान नहीं होता, किसी आलोचना से परेशान नहीं होता है। सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है कि उसको निशिकांत दुबे को गाली देना है, कई एक अखबारों को भी लगता है, छोटे मोटे अखबारों को, जो बड़े अखबार यहाँ बैठे हुए मैं उनके लिए सम्मान की बात करता हूँ, लेकिन जो दो लाइन का पेपर छापते हैं, आप जब काम करते हैं ना, एक है ना कि नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मैं आपको रात, मेरा बहुत ही पेट प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है कि रेलवे के जो अधिकारी हैं वो थोड़ा कम मेहनत कर रहे हैं। हम जो वहां सामने पार्किंग बनाना चाहते हैं और बीच में जो एक रोड है, मेरी इच्छा है कि मधुपुर रेलवे स्टेशन से सीमलेस सारा दुकान तोड़ दीजिए, ये जो टिकट घर आता है इसके सीधे से, जिसका भी दुकान है, संजय यादव बैठा हुआ है उसका भी एक दुकान है तो मतलब उसको तोड़ दीजिए, और जो जिंदा दुकान हम तोड़ते हैं उसको बाद में हम कोशिश करेंगे कि उनको दूसरे रोड पर जब हम ले जाएं तो उनको कहीं दुकान आवंटित कर दें, मेरा तो इरादा उनको डिस्प्लेस करने का नहीं है। तो उसके सामने जो पार्किंग का प्रपोजल है बहुत पहले से, तो वो पार्किंग हम लोग बना लें, तो इससे क्या हुआ कि मधुपुर स्टेशन का जो आउटलुक है वो आउटलुक पूरा खुल जाएगा। ये रोड जो है रेलवे का है, ये जबरदस्ती पीडब्ल्यूडी ने कब्जा कर रखा है, पीडब्ल्यूडी के कब्जा करने के कारण जो नगर पालिका है, नगर पालिका के अध्यक्ष संजय जी रहे, इन लोगों ने देवघर और मधुपुर में जो है उल्टा पुल्टा कागज बनाने का बड़ा परंपरा है, ये लोग नगर परिषद में थे तो इन लोगों ने उल्टा पुल्टा कागज बना लिया है, किसी कीमत पर उनका जमीन नहीं है, ये जमीन रेलवे का है। ये सारा रोड जो है, इस रोड को क्योंकि आम आदमी को भी असुविधा नहीं हो, ये पूरा का पूरा तो रेलवे का है, रेलवे के अंदर जाने के लिए तो रोड की आवश्यकता नहीं है, तो आपका पीछे से जो कॉलोनी के पीछे से जो है रोड हम उसको दे सकते हैं पीडब्ल्यूडी को, वो यदि मिल जाए तो मैं आपको बताऊं कि मधुपुर जो हम सोचते हैं, मधुपुर एक जमाने में जो एक बड़ा रेलवे का हब हुआ करता था और मधुपुर का फिर से उसी गौरव और गरिमा को लौटाना है, ये काम अपने को इमीडिएटली करना चाहिए, यदि ये काम हो जाएगा तो मुझे लगता है। वही मौके पर डीआरएम परमानंद शर्मा ने कहा कि लगातार सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा क्षेत्र में विकास हो रहा है और आने वाले समय में और भी विकास की संभावना है। इस कार्यक्रम से पूर्व भाजपा कार्यकर्ता ने सांसद निशिकांत दुबे का स्टेशन परिसर में शादी की सालगिरह मनाए, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने श्री दुबे को मिठाई व केक खिलाकर बधाई दी। इस उद्घाटन समारोह में रेलवे के अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी ने हमें समय दिया है और यहाँ पे आम जनता की सुविधा के लिए एक लिफ्ट का इनॉग्रेशन का प्रोग्राम रखा गया है। इस अवसर पे उपस्थित मधुपुर की जनता, मधुपुर के रेलवे कर्मचारी, केंद्र प्रशासन, हमारी रेलवे टीम के आसनसोल के सदस्य, आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 4 दिनों में इस क्षेत्र को माननीय सांसद जी की मेहनत से और उनके परसिवरेंस से ढेर सारी सौगातें दी गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें इस ढंग का सौगात मिलता रहेगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए मैं निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती।